सत श्रीकाल जी, मैं प्रीत लैके हाजिर हाँ जी। थोड़ा अपना शो हैल्थ प्लस गल होएगी तुहाडी हैल्थ दी। तो आज के शो के विच एक बार फिर तो तुहाडियां बीमारियां नू डिस्कस करांगे ते उहदी ट्रीटमेंट नू दस्सण दे लई साडे नाल होणगे डॉक्टर नवदीप शर्मा जी, जो कि विश्व प्रसिद्ध आयुर्वैदिक स्पैशलिस्ट ने। बहुत टाइम हो गया जी, इन्हें सालों तो हर छोटी तो लैके वड्डी तो वड्डी बीमारी का इलाज, कैंसर वर्गियां बीमारियां का इलाज जिहड़ा वह आयुर्वेद तरीके के नाल उन्हां वल्लों कीता जांदा है। तो एक एक्सट्रीम लैवल तो उन्होंने बहुत वड्डे वड्डे आप कह सकते कि छोटे मोटे नहीं, बहुत वड्डे तरीके दे जिते कि प्रॉपर ट्रीटमेंट जड़ा अवेलेबल होंदा है। सेंटर्स हैगे ने 31 इंडिया दे विच ने, इंडिया तो बाहर भी हैगे ने, जिवें कि यूएसए की साडी ऑडियंस सानू देख रही हैगी है। यूएसए दे विच अलग अलग एरिजोना, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क दे विच हैगा, कैलीफोर्निया दे विच भी सेंटर्स हैगा, होर भी बहुत जगह ते हैगे ने। प्रॉपर जानकारी लैनी हैगी है ते जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन्हां नंबर ते कॉल करके प्रॉपर एड्रैस लै सकते हो। डॉक्टर नवदीप शर्मा जी नूं मिलना चाहुंदे हो, जेकर इंडिया दे विच विजिट कर रहे हो जी ते दिल्ली सेंटर दे विच विजिट कर सकते हो। डॉक्टर नवदीप शर्मा जी नूं मिलण दे लई अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो। जेकर इंडिया दे विच तुहाडा कोई अपना हैगा जो किसी ना किसी तरह की बीमारी दे नाल ग्रस्त है, बहुत तरह दी दवाइयां खा लिया ने पर फर्क नहीं पिया हैगा, ते आयुर्वेद तरीके दे नाल ट्रीटमेंट लै सकते हो क्योंकि कोई साइड इफेक्ट नहीं हुंदा हैगा। बाकी डॉक्टर नवदीप शर्मा जी यूएसए दे विच विजिट कर रहे हैं जी, 15 अगस्त तो बाद इन्हां नूं मिल सकते हैगे हो। सो एक प्रॉपर कहिए तां स्टडी उन्होंने की हैगी है, PhD की हैगी आयुर्वेद तरीके दे नाल। बहुत जगह ते आयुर्वेद नूं उन्होंने फैलाउण दे विच, आयुर्वेद नूं एक जानकारी लोगों तक पहुँचाउण दे लई बहुत कदम चुके ने, ते इसे दे लई ओह साडे शो दे विच भी आउंदे ने ताकि घर बैठे तुहानूं प्रॉपर जानकारी दित्ती जा सके। ते अज जिस बीमारी नूं मैं डिस्कस करन वाली हाँ, ये बीमारी भी आपां कहिए तां आम है। पायल की असी गल करांगे, जिवें कि बवासीर की गल की जाए, बहुत सारे लोगों नूं यह प्रॉब्लम आउंदी हैगी है। इलाज स्टार्ट दे विच इग्नोर करना शुरू कर देंदे ने ते बाद दे विच हौली हौली बीमारी, कोई भी बीमारी हैगी, चाहे अज बवासीर की गल करते हैं, अदरवाइज भी कोई भी बीमारी हैगी है, हौली 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 जो तुसीं उन्होंने इग्नोर करते हैं तो हौली हौली वो बहुत ही खतरनाक रूप जिहड़ा वो धारण कर लैंदी है। सो जी अज गल करांगे की कारण की हैगे ने इस बीमारी दे, बाकी इहदा ट्रीटमेंट किद्दां कीता जा सकता हैगा। सो वैलकम कर लैंदे आ, वैलकम सर। सत श्री अकाल जी। सो सर पायल्स की गल करांगे, बवासीर पहले तो ये दसो कि बवासीर एक ही तरह की होंगी है कि ये भी अलग अलग तरह की? देखो बवासीर की अगर आप गल कर रहे हैं, प्राइमरली दो तरह की पायल्स जी ज़्यादा होंगी है जी, ब्लीडिंग पायल्स एंड नॉन ब्लीडिंग पायल्स। ब्लीडिंग पायल्स मतलब जिन्हों आप खूनी बवासीर कहने कि जो पेशेंट ये स्टूल पास करता वै, दर्द तो उन्होंने होंदा ही होंदा वै, नाल ब्लड भी आता वै, ये हौली हौली पेशेंट का HP भी घटन लग पैंदा वै, इहनूं लोकी ज़्यादा सीरीयसली लैंदे ने। दूसरी नॉन ब्लीडिंग पाइल्स, जिहदे ब्लड तो नहीं आ रहा लेकिन पेशेंट को डिसकंफर्ट हो रहा है, पेन हो रही है, इनू कई बार लोग थोड़ा इग्नोर कर देंगे ने। दोनों ही तरह दियाँ पाइल्स रिस्की ने, इनू अगर थोड़ा जहा सीरीयसली लै लिया जाए तो पूरी तरह जड़ तो ठीक हो सकती नीचे। इस करके दो तरह दियाँ पाइल्स ने, ब्लीडिंग पाइल्स तो नॉन ब्लीडिंग पाइल्स जी। बिल्कुल जी। सो जी दो तरह की पाइल्स की असी गल की हैगी। सो सर कारण की हैगे ने इस प्रॉब्लम के, क्यों होंदी है पाइल्स? देखो मेनली होंगी है ज़्यादा मिर्ची खाने के, अज की डेट आप स्पाइसिस बहुत वधाते हैं, बाहर का खाना वध गया वै, घर च खाने घट पकाए जाते हैं। पर बड़िया जगहों पर, इंडिया की भी अगर आप अलग अलग जगहों की गल करिए, बाहर की भी गल करिए, स्पाइसिस तो लोग एक्सट्रा ऐड करवाते हैं, बिना स्पाइस तो उन्होंने मज़ा ही नहीं आता। रेस्टोरेंट्स खुले ने जी स्पाइस के नाम के उपर, और यही स्पाइस यही पिकल्स अल्टीमेटली पाइल्स कॉज कर दिया ने, क्योंकि जो एक लिमिट तो बाद आप मिर्च का सेवन करते हैं, पाइल्स का सब तो मेजर कारण ही हुआ है। हाँ बाकी यह एक ऐसा रोग भी है जिन्हों आयुर्वेद भी मानता वै कि जेनेटिकली भी चलता वै, फैमिलीज अंदर चलता वै, एलोपैथी भी कुछ हद तक ना मानती है। इस करके अगर थोड़ी फैमिली च पाइल्स है, पहले तो ही सुचेत हो जाओ, मिर्ची नूं गुड बाय कह दो, क्योंकि अगर तुम मिर्ची खाओगे और थोड़ी फैमिली से पहले तो ही पाइल्स चलता आ रहा है, बहुत चांसिस ने कि स्लोली एंड ग्रेजुअली तुम्हें भी पाइल्स डेवलप कर जाएगा, फिर चाहे वो ब्लीडिंग पाइल्स है या नॉन ब्लीडिंग पाइल्स है, लेकिन हो जाएगा अगर तुम ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा फ्राइड, ज़्यादा मिर्ची वाली चीज़ें खाओगे जी। बिल्कुल जी। सो स्पाइसिस नूं जड़ा है वो इग्नोर करना चाहिए। तो सर किहड़ियां चीज़ां असीं खाण पीण दे विच ध्यान रख सकदे कि इदां दी प्रॉब्लम ही ना आवे? बिल्कुल जी, तुसीं एक ऐसी चीज़ पूछी है जिहड़ी कि पाइल्स 'ते बहुत ही लागू हुंदी है जी। अगर आपां फाइबर ज़्यादा यूज़ करते हैं, फाइबर विच डाइट खाने हैं, हुण फाइबर की है जिस तरह आपां इसबगोल दा छिलका ले लिया, फाइबर है। आपां खाना खाण तो पहले कच्चियां सब्जियां खा लियां, गाजर खा ली, आपां मूली दा सेवन कर लिया, खीरा खा लिया, वो फाइबर है सैलड के फॉर्म के अंदर। इस करके फाइबर अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वो साढ़े स्टूल को सॉफ्ट रखता है। जो स्टूल सॉफ्ट रहेगा वो साड़ी एनल स्पिंक्टर्स रेक्टम के एरिया के अंदर कुछ डैमेजिंग नहीं करेगा, जिसदे नाल पाइल्स नहीं होएगी। इस करके बेस्ट चीज़ है जी मूली। मूली तो इतनी अच्छी चीज़ है पाइल्स अंदर कि अगर तुम मूली का रस भी पियोगे ना तो पाइल्स हो भी गई है तो वो फायदा करता है। इस करके मूली का सेवन, गाजर का सेवन, खीरे का सेवन, इसबगोल का सेवन, फाइबर वाली चीज़ों का सेवन, ईवन टमाटर अप टू सम एक्सटेंट सानू पाइल्स होने तो बचाएगा क्योंकि फाइबर डाइट के अंदर जाता जाएगा। जी बिल्कुल जी। सो फाइबर जिहड़ा उन्हों आपां डाइट दे विच यूज़ करना शुरू कर दी है जेकर प्रॉब्लम हो भी गई हैगी। सो सर सिर्फ खान पीन दे नाल ही आपां इस पाइल्स की प्रॉब्लम नू रोक सकते हैं कि बाद च सानू नहीं तो मैडिसिन तो जाना ही पेगा? देखो पाइल्स आपां हुणे गल कीती ब्लीडिंग एंड नॉन ब्लीडिंग पाइल्स दी। हुण अगर किसी का ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, उन्होंने डेफिनेटली मैडिसिन ते जाना पेगा। उहदे च मैं एक कॉमन होम रैमेडी अपने पेशेंट्स नू दसदा हुंदा वां। अगर किसी नू ब्लीडिंग पाइल्स है एक मूली लो जी, मूली नू ग्रेट कर लो, उसका रस कढ़ लवो। तकरीबन एक मूली च तुहाडा 6-7 चमचे रस आराम नाल निकल आएगा। हुण तुसीं फटकरी लैनी है, एक टाइम तो तुसीं तकरीबन 10 ग्राम के आसपास फटकरी ले लवो तो एक मूली का रस जिहड़ा ग्रेट कर लवो। इन्हां दोनों तुसीं तवे के उपर भुनन वास्ते पा दो। जदों यह भुनी जाएगी पूरी दी पूरी हौली हौली करके तुसीं देखोगे फटकरी पहले पिघल जाएगी, फिर हौली हौली करके सुकनी शुरू हो जाएगी। फिर एक स्टेज आएगी मूली का सारा पानी सुक जाएगा तो फटकरी भी तवे नूं छड़ देगी। हुण तुसीं इहनूं पीसना है, पीस के चमचे का 6वां हिस्सा सवेरे तो चमचे का 6वां हिस्सा तुसीं शामी स्टार्ट करो तो ब्लीडिंग पाइल्स इमीडिएटली फायदा मिलेगा जी। एवं ब्लीडिंग पाइल्स वास्ते नॉन ब्लीडिंग पाइल्स अगेन अगर आप गल करते हैं जी अलग अलग ग्रेड्स ने दे। अगर आप फर्स्ट ग्रेड पाइल्स की गल करिए जो बंदा स्टूल जाएगा पास ऑन करेगा थोड़ा जा मास बाहर आएगा, जो स्टूल वो पास कर लेगा वो मास ऑटोमेटिकली अंदर चले जाएगा। वह फर्स्ट डिग्री। सैकेंड डिग्री की गल करिए बंदा स्टूल पास करन गया हल्का जा मास बाहर आएगा वो खुद अंदर नहीं जाएगा, बंदे नूं खुद पुश करके अंदर भेजना पएगा। थर्ड डिग्री की गल करिए स्टूल पास करेगा मास बाहर आएगा वो अंदर जाएगा ही नहीं, पुश भी करे तो नहीं जाएगा। हुण अगर थर्ड डिग्री पाइल्स हो गई है उहदे च पेशेंट नूं प्रॉपर दवाइयाँ और किसी केस से सर्जरी भी करवानी पै सकती है। फर्स्ट डिग्री पाइल है, सैकेंड डिग्री पाइल्स है, आयुर्वैदिक मेडिसिन्स दे नाल बहुत वधिया कवर हो जाती है। थर्ड डिग्री पाइल्स है तुसीं सर्जरी वास्ते भी अगर प्रोसीड करने की कोशिश करते हो तद भी मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को सुजैसट करता वहाँ आयुर्वैदिक सर्जरी। ओके हुण तुहाडे वास्ते भी हैरानगी दी गल होएगी आयुर्वैदिक सर्जरी क्योंकि आयुर्वैदिक दवाइयां ते आपां रूटीन च सुनदे हां। बिल्कुल ऑलमोस्ट आयुर्वेद सर्जरी बारे कदी नहीं सुनिया हैगा कि आयुर्वेद दे विच सर्जरी भी हो सकदी। बिल्कुल जी। पाइल्स एक ऐसी चीज़ है जिस पूरी दुनिया च लोग सर्जरी आयुर्वैदिक प्रैक्टिस च करवांदे ने। ओके ओदा कारण की है एलोपैथी च पाइल्स दी सर्जरी कीती जांदी है इंस्ट्रूमेंट्स दे नाल, आयुर्वेद च पाइल्स दी सर्जरी कीती जांदी है धागे दे नाल। इहनूं कहंदे आ क्षार सूत्र चिकित्सा। मतलब आप एक धागा लिता उस धागे के उपर कुछ पौद्या की जड़ा एक्सट्रैक्ट है वह लेप किया जाता है उन्होंने धागों के उपर, जिदे नाल धागे जोड़े ने उस स्टेज पर पहुँच जाते हैं कि जो पाइल्स का वधिया होया मास है उन्होंने कट देंगे ने और उस तो बाद वो धागा जोड़ा वै जो मास वधदा वै पाइल्स अंदर रेक्टल मास वो आस पास लपेटता जाता वै और उस मास को उस धागे नाल कटिया जाता वै। वह सब तो वड्डा फायदा यह मिलता वै कि एलोपैथी जिथे सर्जरी तो बाद रैकरेंस बहुत ज़्यादा है, अगर क्षार सूत्र चिकित्सा के नाल प्रॉपर आपां सर्जरी करवा लें पाइल्स की तो रैकरेंस होने के चांसिस नहीं रहते। ऐसे करके आयुर्वेदिक सर्जरी की ऑप्शन भी अवेलेबल है जी जी की बहुत ही वधिया है। बिल्कुल। तो सर आयुर्वेद सर्जरी दी स्टेज मेरे ख्याल दे विच यही हुंदा कि जिवें तुसीं हमेशा कोशिश करदे हो कि पहला ट्रीटमेंट होम रेमेडीज दे नाल कीता जावे, फिर मेडिसिन अगर ज़्यादा वध गया तो फिर एंड दे विच मेरे ख्याल दे विच सर्जरी। तुसीं होम रेमेडीज ट्राई कर लिया नहीं इंप्रूवमेंट मिली तुसीं मेडिसिन्स ले लिया। मेडिसिन्स दी अगर मैं गल करां विरेचन कैप्सूल्स ने जी यूएस दे अंदर कैप्सूल्स अवेलेबल ने विरेचन कैप्सूल्स के नाम तो वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तुसी वो भी इस्तेमाल कर ले फिर इंप्रूवमेंट नहीं मिली विरेचन कैप्सूल्स नाल। एक होर चीज़ है जी वो भी यूएस अवेलेबल रसौंत। रसौंत एक ऐसी चीज़ है जी हर्ब है जी पाइल्स बहुत वधिया काम करती है। तुसी साडे विरेचन कैप्सूल्स नाल रसौंत का सेवन कर सकते हो, कली रसौंत का भी सेवन कर सकते हो। बट मान लो तुसी सारा सेवन कर लिया फिर भी तुहाडी पाइल्स ठीक नहीं हो रही, फिर तुसी कोशिश करो थोड़ा समा कड्ढो अपने वास्ते। आपां क्षार सूत्र के नाल धागे दे नाल जिहड़ा वै वो पाइल्स की सर्जरी करांगे। तो वो रैकरेंस नहीं होएगी, बिल्कुल निगलीजिबल चांसेस ने दोबारा रैकरेंस होने दे। जी जी बिल्कुल। सो मैं यही पूछन वाली सी कि दोबारा तो प्रॉब्लम जी होता नहीं आएगी। सो तुसी दस दिता कि बहुत ही घट चांसेस है। बिल्कुल जी, देखो घट हुण हुंदा की है, अज मान लो सर्जरी कर दी है किसी की, उन्होंने स्पैशल कहे जी मिर्चा नहीं खानी है, हुण वो जाके मिर्च का अचार खांदा है फिर दोबारा, और मिर्चा तो मिर्चा खाए। अगर बंदा बद परहेजी करेगा फिर तो जिन्ना मर्जी ठीक कर लो, फिर तो रोग दोबारा हो ही जाना है। बिल्कुल जेन्युइनली बंदा नॉर्मल डाइट ते आ जांदा है अगर क्षार सूत्र चिकित्सा प्रॉपर हो गई है, ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਇਲ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਧੇਗੀ ਹੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਿਕਨ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਸੇ ਸੋਣਾ ਉੱਠਣਾ, ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, 4 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, 1 ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। 24 ਘੰਟੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਅਵਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਟਿਪਸ ਡੇਲੀ ਸ਼ੋਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਵਾਉਣੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਂਡੀ ਕੇਅਰ ਨਾਮ ਦੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੋਗਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, US ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ US ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਦਵਾਈ ਘਰ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। 8886245925 ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਰ ਪਾਇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ? ਦੇਖੋ ਐਲੋਪੈਥੀ 'ਚ ਪਾਇਲਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਜਰੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੋਰਮਲ ਕਰਾਇਓ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਐਲੋਪੈਥੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਰੈਕਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸਰਜਰੀ ਧਾਗੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਸਰਜਰੀ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਟੈਕਨੀਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਧਾਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਲੇਪ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਸਰਜਰੀ ਕਰਤੀ, ਕੋਈ ਔਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਐਸੀ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਟੈਕਨੀਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, देखो आयुष एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जी, निर्धारित कर दी है कि आयुर्वेद कोई गलत काम ना करे, बड़े क्वैक्स ने आयुर्वेद भी बड़े लोग ऐसे बैठे ने जेडे ऐसे ऐसे क्लेम्स ऐसे ऐसे गाइडलाइंस दे देंगे ने जिड़ियाँ कि एक्चुअली प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्षार सूत्र चिकित्सा आयुष वालों भी एक्लेम्ड है और लोग सर्जरी करवाते हैं पूरी दुनिया तो, इंडिया ट्रैवल करते हैं, साढ़े दिल्ली सेंटर के अंदर लोग आके रुकते हैं, साढ़े उत्थे क्षार सूत्र चिकित्सा का पूरा अवेलेबल है सैटअप और पूरा डिसइनफेक्शन दे नाल सारी मॉडर्नाइज सैप्टिसाइजेशन जी आप करके रखते हैं, ताकि किस तरह की इनफेक्शन ना कभी पेशेंट को होने पाए, तो क्षार सूत्र नाल ट्रीटमेंट की जाती है, धागे दे नाल पाइल्स की सर्जरी कर दी जाती है। सो सर ये सिर्फ दिल्ली सेंटर दे विच अवेलेबल हैगी है जां यूएसए दे विच अलग-अलग सेंटर? क्षार सूत्र चिकित्सा जी यूएस गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती जी, एक्चुअली बहुत सारिया ऐसी टैक्नीक्स ने जिहड़ियां अच्छियां ते ने, लेकिन यूएस गवर्नमेंट्स की जिहड़ियां ने वो चीज़ां जिहड़ियां ने जिहड़ी ओहदी गाइडलाइंस उन्होंने फॉलो करना पैंदा है। ईवन अज की डेट में जिहड़ियां दवाइयां की गल भी कर रहा वां, साडी एक दवाई जिहड़ी है वो FDA के हिसाब दे नाल है। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਭੇਜਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ FDA ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ USH ਦਵਾਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਿਰ FDA ਸਾਡੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ USH ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ कि तो डायरेक्ट दवाइयाँ भेजी जा रहे हैं बिना FDA की नॉलेज तो। हर चीज़ पूरी सेफली और जोड़े भी देश आप दवाई भेज रहे हैं उत्थों के कानून के हिसाब नाल भेजी जाती है। बाकी पाइल्स की गल हो रही है, एक सब्जी जी पाइल्स के पेशेंट वास्ते बहुत चंगी है जी, वो है जिमीकंद की सब्जी। जिमीकंद पाइल्स दवाई का काम करता है। अगर पॉसिबिलिटी है पाइल्स वाले मरीज को जिमीकंद जरूर खाना चाहिए। अगर उन्हें सर्जरी करा ली उस तो बाद भी खाना चाहिए, जिन्होंने सर्जरी नहीं कराई उन्होंने भी खाना चाहिए। बहुत ही वधिया जी तुहाडे वास्ते। बिल्कुल जी। बाकी दिल्ली सेंटर दे विच सर्जरी अवेलेबल हैगी है। तुसी जेकर प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है एलोपैथी दे विच दस्सिया कि एक वधिया इलाज की गल की जाए तो पायल्स का नहीं हैगा, ते तां तुसी दिल्ली सेंटर दे विच विजिट कर सकते हो जी। इंडिया आउण दा प्लान हैगा जा। इत्थे भी तुहाडे बहुत सारे रिलेटिव होणगे, उन्हां नूं जेकर कोई भी प्रॉब्लम हैगी है तुसी उन्हां नूं भी सुजैसट कर सकते हो। उन्हां नूं ईवन ये भी सुजैसट करो कि एक बार दिल्ली सेंटर दे विच जाके विजिट करन, ताकि तुहानूं प्रॉपर ऑरा जिहड़ा आ ओह समझा दित्ता जाए कि उत्थों दा ऑरा किदां दा, क्योंकि असीं खुद देखिया हैगा। तां ही तुहानूं बार-बार असीं सुजैसट करदे आ कि एक प्रॉपर तरीके दी बहुत वधिया तरीके दे उत्थे ट्रीटमेंट कीते जांदे ने। जिहड़ियां आपां कहने कि एलोपैथी दे विच कोई भी बीमारी होगी एक एडे एडे ऑपरेशन करवाए जाते हैं, फिर रिलैक्सेशन मिलती नहीं हैगी, उस तो बाद वक्री बैड रेस्ट हो। अच्छा सर जिवें हुण पायल सर्जरी की गल हो रही है, सो जो आयुर्वेद दे विच हो जाती है तो क्योंकि कई बार इंडिया लोग आते हैं टाइम बहुत घट होंगे, सो किन्ने के टाइम दे सर्जरी हो जाती है? सब तो वधिया गल ही है जी, पायल्स जी जी आपां क्षार सूत्र चिकित्सा कर रहे हैं जी। पेशेंट साडे कोल सवेरे आंदा ते शामी फ्री है जी। ओके, आपां ओनू रखदे जरूर आपने कोल कि चलो पंच करवाउण आया इन्नी दूरों बंदा साडा मेहमान है जी, आपां थेरेपीस करवा के भेजते हैं उन्होंने। बट अदरवाइज अगर आप प्रैक्टिकली सिर्फ पाइल्स की गल करिए सानू तुहाडी लोड़ इक्को दिन वास्ते है। ओके, बट वो सेंटर ऐसा वा जिस तरह कि तुसीं किहा ओहदा औरा इस तरह वा जिहड़ा बंदा आंदा वा कुछ दिन रुक के जांदा वा। उस सेंटर दे अंदर विच ही साडे कोल गौशाला है जी। 9 ग्रहां दे 9 मंदिर ने एस्ट्रोलॉजी दे हिसाब दे नाल ओह सेंटर बनिया हुआ। 9 टैंपल्स ऑफ 9 जोडियक साइंस और इस तो इलावा उहदे च कुछ होर टैंपल्स ने। मैडिटेशन सेंटर है जी, विच ही जिम है। दैन उस तो बाद साडा बहुत वधिया सात्विक रेस्टोरेंट है उस सेंटर दे अंदर। बहुत ही वधिया ते पीसफुल जी जगह है, बंदे नूं बड़ा अच्छा लगता उत्थे आके। बिल्कुल जी। सो मेन जे तां कोई बीमारी हैगी फिर तां विजिट करो, अदरवाइज भी जदों इंडिया दे विच आंदे ने लोग रिलैक्सेशन जे चाहीदी हैगी तां भी जरूर विजिट। बिल्कुल जी। दिल्ली तो लोग स्टैप इन करते हैं, दिल्ली च बिल्कुल साडा एयरपोर्ट तो 45 मिनट्स का रस्ता है, जरूर स्टैप इन करन जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सो प्रॉपर दिल्ली सेंटर का एड्रैस भी, USA सेंटर्स का एड्रैस, इंडिया के किसी होर सेंटर का एड्रैस लेना हैगा। जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इक्को एक नंबर ने, यही नंबर तुसी नोट करके रखने। दवाई घर मंगवानी, रिपोर्ट्स सेंड करनिया ने, या फिर सेंटर्स के एड्रैस लैने, डॉक्टर साहब को मिलन के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करनी, इन्होंने नंबर पर ही कॉल करनी है। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। सो जी अगले शो के विच होर बहुत सारी इंफॉर्मेशन लैके होवांगे हाजिर। इस मैं नूप्रीत, तो मेरे नाल डॉक्टर नवदीप शर्मा जी। तो इजाजत, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी।